नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया के भाग दो को पूरा कवर करेंगे। ये भाग दो जो कवर किया गया है, ये MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अकॉर्डिंग है। इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप, सबॉर्डिनेट जुडिशियरी जजेस, स्टेट लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स, रेट्स एंड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो हमारे DPSP हैं, ये हमारे DPSP पार्ट फोर्थ में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये क्या है? ये एक स्टेट पर एक नैतिकता की जिम्मेदारी डाली गई है। किसके ऊपर डाली गई है? स्टेट्स के ऊपर डाली गई है कि स्टेट्स को ऐसे ऐसे चीज़ें करनी चाहिए। किसके लिए? लोगों के वेलफेयर के लिए। आफ्टर दैट देखते हैं कि ये जो राइट्स हैं हमारे, ये एनफोर्सेबल नहीं करा सकता कोई भी। यदि स्टेट फेल हो जाती है इन राइट्स को पूरा करने के लिए, किसमें? कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ये अनएनफोर्सेबल राइट्स हैं। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि ये नॉन जस्टिकेबल इनका क्या है? करेक्टर है, यानी कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, ये आर्टिकल 37 कहता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि ये जो हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनसे जुड़े हम कुछ अमेंडमेंट्स देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे अमेंडमेंट्स हैं। तो सबसे पहला अमेंडमेंट है हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद 39A आर्टिकल, 43A, 48A, 39F, ये चार आर्टिकल जोड़े गए कि इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो 39A हमारा कहता है कि इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? ये गरीब लोगों को मिलनी चाहिए। 43A कहता है हमारा, ये कहता है कि जो वर्कर्स हैं ये मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेंगे। किसकी? इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में। कौन लेंगे हिस्सा? वर्कर्स लेंगे। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट 48A कहता है, ये कहता है कि एनवायरनमेंट का क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन करनी चाहिए एनवायरनमेंट की, और एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए, और इसे क्या है? सुरक्षित करना चाहिए। क्या सुरक्षित करना चाहिए? जंगल को सुरक्षित करना चाहिए, और जो वाइल्ड लाइफ है हमारी उसको सुरक्षित करना चाहिए हमारी कंट्री की। आफ्टर दैट आर्टिकल 39F हमारा कहता है कि जो F था इसे चेंज कर दिया गया था। तो ये क्या कहता है? इसमें क्या चेंज किया गया चेंज होने के बाद? कि जो चाइल्ड हैं और यूथ हैं इनका क्या किया जाना चाहिए? प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। किसके विरुद्ध? इनके एक्सप्लोटेशन यानी इनके शोषण के विरुद्ध, जो इनका शोषण हो रहा है उनके विरुद्ध इनकी क्या की जानी चाहिए? प्रोटेक्शन की जानी चाहिए। आफ्टर दैट हम देखते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इस एक्ट ने क्या किया कि ये जो आर्टिकल 38 था, इस आर्टिकल को क्या कर दिया? चेंज कर दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि क्या प्रमोट करना चाहिए? वेलफेयर को लिए, लोगों की भलाई के लिए क्या करना चाहिए? एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें जो सोशली ऑर्डर में हो, और ऑर्डर में कैसे हो कि सभी को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकली वो लोग क्या हों, इसमें इक्वल हों, यानी इक्वल स्टेटस की बात करता है। और ये बात करता है कि जो इनइक्वलिटीज हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे इनकम को लेके, स्टेटस को लेके, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को लेके, ये इसमें जो इनइक्वलिटीज हैं, इन इनइक्वलिटीज को मिनिमाइज किया जा सके। आफ्टर दैट देखते हैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये इस अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल जो 45 है इसे क्या कर दिया था? सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आर्टिकल कहता है हमारा कि जो हमारी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है वो क्या है? मिलनी चाहिए चिल्ड्रन को, और इन चिल्ड्रंस की एज ग्रुप क्या होनी चाहिए? ये बिलो 14 ईयर्स होने चाहिए, और ये 6 to 14 ईयर्स की बात करता
है। इससे पहले क्या था, इस अमेंडमेंट इस एक्ट में आर्टिकल 45 में जो ये सब्स्टिट्यूट किया गया, इससे पहले ये सिस्टम था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन 6 साल तक के बच्चों का प्रावधान था इससे पहले। आफ्टर दैट हम देखते हैं नेक्स्ट 47th अमेंडमेंट एक्ट 2011। इस एक्ट ने ऐड किया हमारा एक आर्टिकल 43B डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। इसके बाद क्या हुआ कि ये कहा गया इसमें कि जो वर्कर्स हैं उनका क्या किया जाएगा, जो उनकी पार्टिसिपेशन है किसमें, मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रीज में, वो सिक्योर की जानी चाहिए। तो ये हमारे अमेंडमेंट एक्ट्स हो गए, किससे रिलेटेड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। अब हमारा आगे देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो कितनी क्लास में इसे क्लासिफाइड किया गया है। तो डीपीएसपी को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। पहली क्लास है आपकी सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दूसरी क्लास है आपकी गांधीयन प्रिंसिपल, तीसरी है लिबरल प्रिंसिपल, यानी पहली विचारधारा जो बताती है आपके समाज के बारे में, दूसरी गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में, और तीसरी बताती है आपको उदारवादी प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल, इसमें क्या है हमारा आर्टिकल 38, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं अभी ऊपर। आर्टिकल 39, इसमें क्या है कि इसमें ये कहता है जो स्टेट है वो डायरेक्ट करेंगे पॉलिसी किसके लिए, इक्वलिटी को सिक्योर करने के लिए, इन चीजों को, ये जो चीज दी हुई है इनको सिक्योर करने के लिए। क्या क्या सिक्योर करना है इसमें आपको, क्या बोलता है ये कहता है कि लिवलीहुड का मीन, यानी सभी को लिवलीहुड अपनी कमाने के लिए क्या होना चाहिए, पर्याप्त साधन होने चाहिए, रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, यानी मैन और वुमेन दोनों के लिए, यानी मेल और फीमेल में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए सेम वर्क के लिए। नेक्स्ट कहता है ये स्ट्रेंथ एंड हेल्थ जो वर्कर्स की, उनकी प्रोटेक्शन की जानी चाहिए, यानी एनवायरमेंट अच्छा मिले उन्हें, वर्किंग कंडीशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट कहता है हमारा इसमें तो जो कंसंट्रेशन है वेल्थ की वो नहीं होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, वेल्थ का क्या हो जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए। इसी में आपका नेक्स्ट आर्टिकल 41 है, वो क्या कहता है कि राइट टू वर्क को सिक्योर करना चाहिए सोशलिस्ट में। आफ्टर दैट एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंट को क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट जो आर्टिकल है 42, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो वर्क है उसकी कंडीशंस है, वर्किंग की कंडीशंस वो क्या होनी चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, और कहता है कि मैटरनिटी रिलीफ भी मिलनी चाहिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट आर्टिकल 43, इसमें ये कहता है, ये क्या कहता है, वर्क को सिक्योर करने के लिए कहता है लिविंग वेज को, और वर्किंग का स्टैंडर्ड डिसेंट होना चाहिए, लाइफ अच्छी होनी चाहिए, सोशल और कल्चरल जो जीवन है लोगों का वो भी अच्छा होना चाहिए, ये इसके बारे में कहता है। तो ये हमारे हो गए सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट देखते हैं हम गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 40 कहता है कि जो विलेज पंचायत है उन्हें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए एक यूनिट के रूप में, और इन्हें पावर दी जानी चाहिए सेल्फ बॉडी के रूप में। आफ्टर दैट नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 43, इसका ये कहता है कि कॉटेज इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इंडिविजुअल के रूप में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में, ये सारी कहाँ होनी चाहिए, रूरल एरिया में। आफ्टर दैट आर्टिकल नेक्स्ट 43 भी, इसको मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ ये। आफ्टर दैट आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 कहता है आपका प्रमोट करने के लिए क्या, एजुकेशन और इकोनॉमिक को, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है ये प्रमोट करनी चाहिए किन के लिए, वेलफेयर के लिए, SC ST के वेलफेयर के लिए, और उनके प्रोटेक्ट करना चाहिए किसके, सोशल इनजस्टिस से, कि उनके खिलाफ कोई सोशल इनजस्टिस तो नहीं हो रही है। आफ्टर दैट आर्टिकल 47 कहता है कि जो इम्प्रूवमेंट करना चाहिए किसमें, पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और आफ्टर दैट ये मना करता है किसके लिए, जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रिंक्स हैं और ड्रग्स हैं उनके बारे में क्या करता है, मना करता है, यानी इनका व्यापार नहीं होना चाहिए जैसे शराब। आफ्टर दैट आर्टिकल 48 कहता है हमारा
कि ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए किसको प्रिजर्व करने के लिए, जो दूध देती हैं गायें उनको प्रिजर्व करने के लिए, यानी उनकी स्लेटर नहीं होनी चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए, और उनके जो बछड़े हैं उनको भी, और ऐसे जो एनिमल हैं जो क्या देते हैं, दूध देते हैं, उनके स्लेटरिंग पर भी ये प्रोहिबिशन लगाता है। अब ये हो गए हमारे गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल के बाद देखते हैं हम लिबरल प्रिंसिपल। अब लिबरल प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 हमारा कहता है यूनिफॉर्मिटी के बारे में बताता है। किसकी यूनिफॉर्मिटी के बारे में? सिविल कोड के बारे में। ये सभी के लिए समान होना चाहिए, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, इसके बेसिस पे कोई भी भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए। लॉ सभी के लिए समान होना चाहिए। आर्टिकल 45 में आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है कि जो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, इसमें जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसका क्या किया जाना चाहिए? मॉडर्नाइजेशन किया जाना चाहिए और साइंटिफिक फैसिलिटीज इसमें डेवलप की जानी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 48 है, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। आफ्टर दैट देखते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 कहता है कि जो मोनूमेंट है, हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट है, उन मोनूमेंट को क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए। ये जो ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट है। आफ्टर दैट आर्टिकल 50 देखते हैं। तो आर्टिकल 50 कहता है आपका ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे क्या हो कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव की पावर्स अलग अलग हों, उन दोनों का क्रैश नहीं हो। आफ्टर दैट देखते हैं आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 कहता है कि इंटरनेशनल जो हमारी पीस है और जो सिक्योरिटी है, इसे क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए, और हमें होनरेबल जो हमारे रिलेशन है वो होने चाहिए किसके साथ में? इंटरनेशनल लॉ के रेस्पेक्ट में, और किसके रेस्पेक्ट में? अदर जो हमारी कंट्रीज हैं उनसे। और हमें क्या करना चाहिए कि यदि हमारी कोई भी ट्रीटी है या फिर हमारा कोई भी झगड़ा है, तो उस डिस्प्यूट को हमें इंटरनेशनल लेवल पर आर्बिट्रेशन के मीडियम से क्या करना चाहिए? उसे रिजॉल्व करना चाहिए। आफ्टर दैट हम देखते हैं जो डीपीएसपी है वो हमारे अदर पार्ट्स में भी हैं, अदर आर्टिकल्स में, यानी आर्टिकल 35 में भी डीपीएसपी दी हुई है, ये 36 से 51 के अलावा। तो आर्टिकल 35 कहता है कि क्या होनी चाहिए? अपॉइंटमेंट SC ST की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। किसकी पोस्ट में? गवर्नमेंट पोस्ट में। तो इनका भी देखना चाहिए कि इनके पॉपुलेशन के हिसाब से इनकी अपॉइंटमेंट है या नहीं। आर्टिकल 350 ये इसमें बताता है, ये भी एज ए DPSP है, ये कहता है कि फैसिलिटीज होनी चाहिए किसके लिए? प्राइमरी स्टेज पर माइनॉरिटीज के लिए, उनकी मदर टंग में लैंग्वेज के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए। और ये किसके ऊपर डालता है? अथॉरिटी इन सारी चीजों की स्टेट के ऊपर, और लोकल अथॉरिटी, लोकल बॉडी मीन्स पंचायत और म्यूनसिपालिटीज। आफ्टर दैट देखते हैं आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 कहता है कि ये ड्यूटी है यूनियन की, यूनियन मीन्स सेंटर की ये ड्यूटी है कि वो ऐसी फीलिंग्स को डेवलप करे जिससे जो हिंदी लैंग्वेज है उसका विकास हो। इसके लिए ये आर्टिकल 351 दिया गया है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारे जो DPSP हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिएबल है कोर्ट के द्वारा, DPSP एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट के द्वारा। मोस्टली जो फंडामेंटल राइट हैं वो पॉलिटिकल राइट हैं, इन्हें रिस्ट्रेन भी नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। स्टेट इन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। सोशल राइट्स जो है क्या है? वो पॉजिटिव फॉर्म में, ये ऑब्लिगेशन देते हैं स्टेट्स पर। और आफ्टर दैट ये क्या है? इकोनॉमी के फील्ड जो है, उस इकोनॉमी के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ये इक्वलिटी के बारे में बताते हैं। आफ्टर दैट देखते हैं जो फंडामेंटल राइट है उनका जो स्कोप है वो क्या है। फंडामेंटल राइट का हमारा जो स्कोप दिया हुआ है वो फंडामेंटल राइट का स्कोप लिमिटेड दिया हुआ है, जबकि DPSP एक वास्ट एरिया को कवर करते हैं। कोर्ट्स क्या है? एक लॉ को क्या कर सकता है? वॉइड डिक्लेयर कर सकता है यदि ये फंडामेंटल राइट को क्या करेगा? कंट्रावेन करेगा, यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा।
कोर्ट एक लॉ को डिक्लेयर नहीं कर सकता वॉइड यदि डीपीएसपी का कॉन्ट्रावेंशन करता है यानी उल्लंघन करता है। आफ्टर दैट देखते हैं हम रिलेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डीपीएसपी के बीच में। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होगा ये हम देखते हैं इसमें कि यदि वो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट का क्या करें वायलेशन करते हैं। तो केस वानंद भारती के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों क्या हैं, एक ही है, फंडामेंटली हैं और ये एनफोर्सिएबल हैं लॉ के थ्रू। दोनों क्या हैं, कंपलसरी हैं और सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे की क्वालिटीज को बताते हैं। आफ्टर दैट मिनर्वा मिल्स के केस में कोर्ट ने ये कहा कि हारमोनी और बैलेंस मेंटेन करनी चाहिए किसके बीच में, फंडामेंटल राइट्स के बीच में और डीपीएसपी के बीच में। और ये जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर की डेफिनेशन भी दे। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी पार्ट फोर्थ ए में और आर्टिकल 51 के ए में दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब इससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स देखते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 की मैं ये लेके आई गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये अमेंडमेंट के बाद ऐड की हुई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। किसके रिकमेंडेशन पे, सुरन सिंह कमेटी बैठी थी, इसके बेसिस पे ये ऐड की गई है। ये हमारी ली गई है किससे, रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। आफ्टर दैट देखते हैं कि ये जो ओरिजिनल जो फंडामेंटल ड्यूटी जब ऐड की गई थी तो ये 10 थी। उसके बाद 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद क्या किया गया, आपका ऐड किया गया। आफ्टर दैट देखते हैं जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन कौन सी दी हुई है। तो ये आपकी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं, आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिए। इसमें क्या है वो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद देख लीजिए, बाद बाकी इसकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको ये बता दिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है ये आपके पार्ट फिफ्थ में दिया गया है और ये आर्टिकल 52 से 78 तक दिया गया है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन इंक्लूड होता है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद आपके अटॉर्नी जनरल इंक्लूड होते हैं। आफ्टर दैट देखते हैं हम इसका स्टेट एग्जीक्यूटिव जो आपके सिलेबस में है, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव है आपके सिलेबस में पार्ट सेकंड में, वो नहीं था आपके सिलेबस में इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है ऊपर वाले को। स्टेट एग्जीक्यूटिव आपके पार्ट सेवंथ में है, ये आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 में दिया गया है। इस स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इंक्लूड होते हैं। आफ्टर दैट सबसे पहले देखते हैं हम गवर्नर को। तो गवर्नर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के स्टेट के। ये आर्टिकल 153 कहता है कि स्टेट के कौन होंगे, गवर्नर की पोस्ट होगी स्टेट में। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद ये कर दिया गया कि जो गवर्नर हैं वो एक से ज़्यादा स्टेट के भी हो सकते हैं, एक ही गवर्नर, लेकिन इन्हें जो वेतन भत्ता और भाड़ा मिलेगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा जैसा वो उचित समझे। आफ्टर दैट जो गवर्नर हैं वो क्या है, डुअल रोल को क्या करते हैं, निभाते हैं दो रोल। पहला एक एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में स्टेट के और दूसरा एक एजेंट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट के। आफ्टर दैट देखते हैं नेक्स्ट हम गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करते हैं। तो अंडर आर्टिकल 155 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और ये जो ऑफिस को होल्ड करते हैं ये ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट करते हैं। जब तक प्लेजर होगी प्रेसिडेंट की तभी तक ये ऑफिस को क्या करेंगे,
होल्ड करे रखेंगे। ये इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं। आफ्टर दैट देखते हैं हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक के केस में 1979 में ये कहा गया कि गवर्नर की जो पोस्ट है वो एम्प्लॉयमेंट की पोस्ट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। अब ये जो पोस्ट है ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, किसका? गवर्नर का। ये जो गवर्नर है ये अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट नहीं आते हैं, ये जो पोस्ट है। आफ्टर दैट इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए गवर्नर की? तो गवर्नर की जो क्वालिफिकेशन है आपकी, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु उन्होंने कंप्लीट की होनी चाहिए। ये आर्टिकल 157 हमारा बताता है। आफ्टर दैट देखते हैं हम कि जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए गवर्नर के ऑफिस के लिए। तो आर्टिकल हमारा 158 कंडीशंस के बारे में बताता है। ये कहता है कि ये जो गवर्नर है वो किसी भी जो लेजिस्लेचर है उसकी मेंबर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो यूनियन की लेजिस्लेचर हो या फिर स्टेट की लेजिस्लेचर हो। यदि कोई भी पर्सन इससे क्या है नॉमिनेट होता है लेजिस्लेचर से, तो उसकी जो सीट है वो वैकेट हो जाएगी उस लेजिस्लेचर हाउस में जिस डेट से वो गवर्नर के रूप में अपने ऑफिस में एंटर करेंगे। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि ये होल्ड नहीं करना होना चाहिए किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो भी पर्सन है गवर्नर के लिए अपॉइंट होने जा रहे हैं। आफ्टर दैट ये जो पोस्ट है गवर्नर की, ये क्या कर सकते हैं गवर्नर की पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने के बाद, ये अपने ऑफिशियल जो रेसिडेंस है इसका, इस रेसिडेंस को यूज कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। आफ्टर दैट इनको जो अमोलमेंट्स हैं या फिर इनकी जो वेतन भत्ता भाड़े हैं, ये सारी चीज़ें कौन देता है इन्हें, किसके द्वारा ये प्रिस्क्राइब की जाती हैं, दी जाती हैं, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। आफ्टर दैट देखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस, ऑफिस का क्या टर्म होगा गवर्नर की का। तो ये ऑफिस का जो टर्म है आर्टिकल 156 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 156 कहता है कि ये जो पोस्ट है किसके प्लेजर से करेंगे, प्रेसिडेंट के प्लेजर से। जब तक प्रेसिडेंट की प्लेजर होगी तब तक ऑफिस को होल्ड करके रखेंगे। आफ्टर दैट ये जो रेजिग्नेशन देंगे वो किसे देंगे, ये रेजिग्नेशन देंगे आपके प्रेसिडेंट को। आफ्टर दैट देखते हैं इनकी जो टर्म है ऑफिस का वो क्या होगा, 5 ईयर्स होगा जिस स्टेट से ये ऑफिस में अपने एंटर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ये ओथ किसके सामने लेंगे, तो ये ओथ का है जो टॉपिक है ये आर्टिकल 159 में दिया गया है। ये जो ओथ लेंगे ये चीफ जस्टिस जो जिस स्टेट में ये बनाए गए हैं गवर्नर, उस गवर्नर के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने क्या करेंगे, ये ओथ लेंगे। यदि वो चीफ जस्टिस नहीं है उस हाई कोर्ट के, तो ये सीनियर मोस्ट जो जज होगा उस कोर्ट का, उसके सामने अपनी शपथ लेंगे। आफ्टर दैट देखते हैं हम गवर्नर की पावर क्या होगी और उसके फंक्शंस क्या होंगे गवर्नर के। तो सबसे पहली पावर देखते हैं हम, एक्सक्यूटिव पावर। तो एक्सक्यूटिव पावर में, एक्सक्यूटिव पावर जो है स्टेट की, वो सारी की सारी किस में वेस्ट करती है, गवर्नर में वेस्ट करती है। ये सारी एक्सक्यूटिव पावर एक्सरसाइज की जाएगी, जो भी एक्सक्यूटिव वर्क होंगे वो गवर्नर के नाम से होंगे, ये आर्टिकल 154 कहता है। आफ्टर दैट देखते हैं जितने भी ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे किसके द्वारा रूल किए जाएंगे, गवर्नर के द्वारा रूल किए जाएंगे। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, उसके अलावा अदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके, उनको चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर भी, पर ही गवर्नर नियुक्त करेंगे। उसके अलावा जो गवर्नर हैं वो वेलफेयर जो मिनिस्टर हैं उसे अपॉइंट करते हैं, किस स्टेट में, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP एंड आफ्टर दैट उड़ीसा। इसमें ये वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ये ट्राइबल एरियाज में इनके, ये आर्टिकल 164 हमारा बताता है। आफ्टर दैट देखते हैं जो मेंबर हैं हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, इन मेंबर्स को क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा इन्हें अपॉइंट कर दिया जाएगा, लेकिन इन्हें जो रिमूव किया जाएगा तो ये इन्हें गवर्नर रिमूव नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दैट आर्टिकल 217 हमारा कहता है कि जब भी हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाएगा तो चीफ
तो गवर्नर को क्या किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा उस अपॉइंटमेंट से पहले। आफ्टर दैट गवर्नर एक मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से क्या करते हैं, नॉमिनेट करेंगे। ये आर्टिकल 333 बताता है। इसके बाद गवर्नर 1/6 मेंबर को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्टेट की। और ये जो पर्सन है ये किससे रिलेटेड होने चाहिए, इन्हें स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए किन फील्ड्स का, लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में और सोशल सर्विस में। ये आर्टिकल 177 कहता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं आपका कि गवर्नर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के, जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके चांसलर के रूप में क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, और जो वाइस चांसलर है उस यूनिवर्सिटी के, उन वाइस चांसलर को अपॉइंट करते हैं। आफ्टर दैट ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि स्टेट में क्या करना है, प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो उसके लिए अंडर आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखते हैं गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है। तो गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर्स जो पार्ट 168 है इसमें दी गई है। तो ये क्या है कि इनके पास ये पावर होती है कि ये एड्रेस करेंगे किसको, लेजिस्लेचर को, किसकी, स्टेट की लेजिस्लेचर को ये एड्रेस करेंगे और वहाँ मैसेज भी भेज सकते हैं। ये आर्टिकल 175 हमारा कहता है। आफ्टर दैट ये जो स्टेट की लेजिस्लेचर है इसका जो फर्स्ट सेशन, पहला जो सेशन होगा, साल का पहला सेशन या फिर इसके जनरल इलेक्शन के बाद का पहला सेशन, इन दोनों सेशंस को ये क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। ये हमारा कहता है आर्टिकल 176। आफ्टर दैट जो गवर्नर हैं वो समन करते हैं हाउस को, और ये जो टाइम पीरियड है हाउस के बीच में जो बंद होने का, ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो हाउस है उसकी मीटिंग जो होती है सदन की, जो सदन है वो साल में 2 बार तो कम से कम लगना चाहिए। अब जो गवर्नर है वो क्या कर सकते हैं हाउस का, या तो उसे प्रोरोग कर सकते हैं या फिर हाउस को डिजॉल्व कर सकते हैं। डिजॉल्व कौन होगा, केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली डिजॉल्व होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिजॉल्व नहीं होती है। आफ्टर दैट ये ऑर्डिनेंस को क्या करते हैं, प्रोमलगेट करेंगे ऑर्डिनेंस को आर्टिकल 213 के अंतर्गत। ये ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं, अध्यादेश को, ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, ये ऑर्डिनेंस जब जारी किया जाएगा जब या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल या दोनों में से कोई एक किस में नहीं है, वर्क में नहीं है, इफेक्ट में नहीं है, तब ये अपने ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं। और इन ऑर्डिनेंस का जो इफेक्ट होता है वो उसी तरह से होगा, सेम इफेक्ट जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा बनाए गए या फिर दोनों के द्वारा बनाए गए लॉज का होता है। और ये यदि 6 वीक के अंदर अंदर यदि ये इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद इन्हें क्या नहीं किया जाता है, अप्रूव नहीं किया जाता, तो ये सीज हो जाएंगे ऑपरेट करने से, यानी इनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट गवर्नर की हम जुडिशियल पावर देखते हैं कि गवर्नर को क्या जुडिशियल पावर दी गई है। तो आर्टिकल 161 के अंतर्गत गवर्नर को जुडिशियल पावर दी गई है। तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, या फिर कम्यूट कर सकते हैं किसी भी पर्सन की सेंटेंस का। लेकिन ये जो पार्डन है ये किस केस में नहीं दे सकते, उस केस में नहीं दे सकते, या तो उसे डेथ सेंटेंस दी गई है या फिर उसका कोर्ट मार्शल हुआ है। और ये जो सारी अभी मैंने आपको बताई थी कि इन इन कंडीशन में ये पार्डन इस तरह से दे सकते हैं, ये केवल जब ही दे सकते हैं जब वो पर्सन पनिशमेंट उसे मिला हो उसी स्टेट से रिलेटेड, उसका स्टेट का जहाँ तक एक्सटेंड है लॉ में, जिसके के गवर्नर, जिस स्टेट के वो गवर्नर हैं। आफ्टर दैट देखते हैं हम इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर जो है आपकी, ये आर्टिकल 356 हमारा कहता है कि गवर्नर क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रूल के लिए इनवाइट करेंगे किसे, प्रेसिडेंट को, और ये इमरजेंसी लग जाएगी। और इमरजेंसी जब लग जाएगी तो गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट है उसके सारे फंक्शंस को कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। और जो फंक्शन है वैसे किसके पास चले जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट के अपॉइंटी गवर्नर है, इसलिए गवर्नर वो सारे फंक्शंस को
वहाँ एक्ट करेंगे। आफ्टर दैट देखते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या है, तो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मींस बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लेजिस्लेचर के सामने क्या करेंगे, वो रखेंगे। कौन रखेंगे, गवर्नर रखेंगे, आर्टिकल 102 कहता है। आफ्टर दैट देखते हैं कि जो भी डिमांड्स हैं ग्रांट्स के लिए, वो लेजिस्लेचर के द्वारा जब की जाएंगी तो गवर्नर की रिकमेंडेशन के बिना नहीं की जा सकती है। और जो मनी बिल है, इन्हें यदि इंट्रोड्यूस किया जाएगा हाउस में, तो उसके लिए भी गवर्नर की रिकमेंडेशन लेनी होगी, आर्टिकल 207 कहता है। आफ्टर दैट यदि कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट है, उससे क्या है, कुछ पैसे निकालने हैं एडवांस में, तो उसके लिए भी क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, गवर्नर की पहले। आफ्टर दैट जो फाइनेंशियल कमीशन है, इस फाइनेंशियल कमीशन को 5 साल में एक बार कंस्टिट्यूट करते हैं। कौन कंस्टिट्यूट करते हैं, गवर्नर कंस्टिट्यूट करते हैं, किसके को, स्टेट के फाइनेंस कमीशन को। और ये देखता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किसकी, पंचायत की और म्यूनसिपालिटीज की स्टेट के अंदर। आफ्टर दैट नेक्स्ट पावर देखते हैं गवर्नर की हम, डिस्क्रिशनरी पावर। ये डिस्क्रिशनरी पावर जो है, ये आर्टिकल 163 में दी गई है गवर्नर को। इसके अंदर क्या है कि ये जो पावर है, इस पावर के अकॉर्डिंग गवर्नर जो है एक्ट करेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम की एडवाइस के बेसिस पर नहीं करेंगे, इसमें वो खुद ही एक्ट कर सकते हैं इन चीज में। पहली पावर इम्प्लाइड जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो इम्प्लाइड की गई है इन्हें गवर्नर को, तो वो कौन सी पावर है, तो वो जो चीफ मिनिस्टर है उसकी अपनी चॉइस से रख सकते हैं। ये कब रख सकते हैं, यदि जो भी है क्या है, यदि प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर उन लेजिस्लेटिव असेंबली ने अपना लीडर नहीं रखा है, तो इस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस से किसी को भी सीएम बना सकते हैं, या फिर गवर्नर कभी भी असेंबली में ये कह सकते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करो, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसके लिए भी कह सकते हैं। ये सीएम को क्या कर सकते हैं, डिसमिस भी कर सकते हैं, और ये क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल के लिए कमांड दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को। आफ्टर दैट ये रिजर्व कर सकते हैं बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए सॉरी, इसकी प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 200 कहता है। आफ्टर दैट कुछ जो इनकी पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी जो पावर हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं, वो क्या हैं अलग से, तो वो पावर्स यहाँ दी गई हैं आपकी। पहली पावर ये कहती है कि ये जो स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की, वो ये होगी कि जो महाराष्ट्र के और गुजरात के गवर्नर हैं, ये बोर्ड्स का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। किसके लिए स्पेशल बोर्ड्स का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, ये विदर्भ, मराठावाड़, सौराष्ट्र और कच्छ, इसी तरह की कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनका ये लिए बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, ये आर्टिकल 371 का 2 कहता है। 371 का 1 371 का ए कहता है कि इनकी स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की, किसके, नागालैंड के जो गवर्नर हैं उनके। आफ्टर दैट 371 के सी का 1 कहता है कि मणिपुर के जो गवर्नर हैं, वो जो वहाँ का मणिपुर का हिल एरिया है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। आफ्टर दैट 371 का एफ का जी कहता है कि जो गवर्नर है सिक्किम के, वो सिक्किम की पीस और सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे, स्पेशल प्रोविजन लेके आएंगे, और जो वहाँ के डिफरेंट सेक्शन हैं पॉपुलेशन के, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल ग्रोथ को भी इंश्योर करेंगे। आफ्टर दैट 371 के एच का ए कहता है कि जो गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के, वो उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी अपने, उसके लिए प्रोविजन्स भी बनाएंगे। आफ्टर दैट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वो देखते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आपका आर्टिकल 164 में दिया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन पर, सीएम की रिकमेंडेशन पर, और सीएम को भी गवर्नर के द्वारा ही रिकमेंड किया जाता है। ये जो ऑफिस को होल्ड करते हैं, ये ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर ऑफिस को होल्ड करते हैं,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ये इन्हें जो ओथ दिलवाई जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ये या तो गवर्नर स्वयं दिलाएंगे या गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड पर्सन के सामने इन्हें ओथ दिलवाई जाएगी। ये थर्ड शेड्यूल हमारा बताता है, ओथ एंड डेफर्मेशन के बारे में जानकारी देता है ये। आफ्टर दैट यदि कोई मिनिस्टर हैं या मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी सीट वो मेंबर नहीं है, मान लो कोई भी मेंबर मिनिस्टर बन गया लेकिन वो मेंबर नहीं है लेजिस्लेटिव के, तो उन्हें क्या 6 महीने के अंदर अंदर अपनी किसी भी सीट से चुन के आना पड़ेगा, या नहीं आते हैं तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद में कोई भी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का या काउंसिल का वो क्या है, डिस्क्वालिफाइड हो गया है हमारे शेड्यूल 10 जो एंटी डिफेक्शन लॉ बताता है उसके बेसिस पर, तो वो मैम तो वो क्या नहीं बना सकता, वो एक मिनिस्टर नहीं बन सकता है, मिनिस्टर अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक कि वो उसके बाद में किसी दूसरी लेजिस्लेटिव सीट से टेरिटरी की से क्या नहीं होके आए, दोबारा इलेक्ट होके नहीं आता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं जो साइज है मिनिस्ट्री का वो क्या होगा, ये आर्टिकल 164 हमारा कहता है कि जो साइज है मिनिस्ट्री का वो 15% से ज़्यादा नहीं होगा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन ये एक चीज और कहता है कि ये जो मेंबर हैं ये कम से कम 12 से कम नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसको क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दे दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम आपका चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है लीडर किसका, मेजॉरिटी पार्टी का, और जो मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसे ही गवर्नर के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है क्या, चीफ मिनिस्टर के रूप में, क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं होती है। यदि जो मेजॉरिटी पार्टी है वो मना कर देती है कि हमारे पास क्या है कोई भी लीडर नहीं है, तो गवर्नर क्या है उनके पास, वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर जो मैंने अभी आपको बताई थी उसका यूज करेंगे और क्या कर देंगे, किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर देंगे जो उनकी मर्जी होगी, उस पर्सन को क्या कर देंगे, वो सीएम अपॉइंट कर देंगे। आफ्टर दैट यदि कोई भी पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है और कोलिशन पार्टीज का हो रहा है, तो उस कंडीशन में और वो क्या है मेजॉरिटी की सपोर्ट के लिए क्लेम कर रही हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं कर पा रही हैं, तो इस कंडीशन में भी गवर्नर क्या है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का क्या करेंगे, यूज करेंगे और सीएम को अपॉइंट कर देंगे जिसे वो चाहेंगे। आफ्टर दैट जो सीएम है वो कम्युनिकेशन का चैनल के रूप में काम करते हैं, मीडिएटर के रूप में गवर्नर के बीच में और किसके बीच में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में स्टेट के, और ये क्या है जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लेजिस्लेशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे को क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं किससे, गवर्नर से। और ये जो चीज़ है ये किस में दी गई है, ये 167 में दी गई है, आर्टिकल 167 में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आफ्टर दैट हम देखते हैं आपका एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये एडवोकेट ऑफ जनरल स्टेट आपका आर्टिकल 165 में दिया गया है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आपका हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो जज ऑफ हाई कोर्ट के रूप में होनी चाहिए इसकी क्वालिफिकेशन। ये जो रिम्यूनरेशन है ये जो प्राप्त करता है ये किसके द्वारा प्राप्त करता है, ये डिटरमाइन किया जाता है इसका रिम्यूनरेशन गवर्नर के द्वारा, इसकी वेतन भत्ता वाड़े जो भी होते हैं। आर्टिकल 177 के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकता है, इसे ये राइट है किसे, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, कि हाउस की किसी चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली हो, इन दोनों के हाउस में क्या कर सकता है वो टेक पार्ट कर सकता है और स्पीक भी कर सकता है, लेकिन उसमें वोटिंग का राइट उसे नहीं मिला हुआ है, वोटिंग नहीं कर सकता हो। इसके बाद ये स्टेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसमें, कोर्ट में, स्टेट के बिहाफ में क्या है स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में। आफ्टर दैट इस ये क्या करता है, जो भी हियरिंग होती है कोर्ट की, इसे राइट होता है कि उस स्टेट की टेरिटरी में जो कोर्ट है उस कोर्ट में जाके वो हियरिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। आफ्टर दैट ये अदर वर्स जो भी गवर्नर के द्वारा दिए जाते हैं उनको भी ये करता है। आफ्टर दैट हम देखते हैं स्टेट की लेजिस्लेचर, ये आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
तो स्टेट लेजिस्लेचर आपका पार्ट सिक्स में दिया गया है और ये पार्ट सिक्स में आर्टिकल 168 से 212 तक दिया गया है। आफ्टर दैट देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर हमारी यूनिकैमरल भी हो सकती है और बाईकैमरल। यूनिकैमरल मींस केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है और बाईकैमरल यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ये आर्टिकल 168 हमारा बताता है। अब हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो पहले हमारी आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी इसमें थी और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में भी कर दी गई, लेकिन अभी एट प्रेजेंट की सिचुएशन में जम्मू कश्मीर तो स्टेट ही नहीं रहा, तो इधर लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं और आंध्र प्रदेश ने अभी अभी निर्णय लिया है अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म करने का। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी डिजॉल्व नहीं हो सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी 5 ईयर के टर्म के बाद डिजॉल्व हो सकती है, हो जाती है हमारी ऑटोमेटिकली, या फिर इसे गवर्नर डिजॉल्व कर सकते हैं और ये आर्टिकल 170 में दी गई है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 500 है, मिनिमम स्ट्रेंथ 62 है, लेकिन सिक्किम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की काउंटिंग है वो 32 है, मिजोरम और गोवा की 40 है। आफ्टर दैट हम देखते हैं नागालैंड और सिक्किम, इन दो के जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, इसमें कुछ मेंबर और बाद बाकी सभी में डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में। आफ्टर दैट लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखते हैं इसमें मैक्सिमम नंबर जो हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो क्या हो सकते हैं आपके 1/3 हो सकते हैं, किसके टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 साल का होता है और इसके एक तिहाई मेंबर 2 साल के बाद में क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। आफ्टर दैट आर्टिकल 169 कहता है कि जो एबोलिशन और क्रिएशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का ये पार्लियामेंट के द्वारा होगा और इसके लिए रिकमेंडेशन कौन करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी स्टेट की। ये और ये जो अमेंडमेंट होगा ये अंडर आर्टिकल 368 के अंदर काउंट नहीं होगा। कंपोजिशन देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का, अभी मैंने आपको बता दिया था कि 1/3 होता है टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और इसकी जो एक चीज और है ये 40 से कम नहीं होनी चाहिए इसके मेंबर की काउंटिंग। आफ्टर दैट देखते हैं मैनर क्या होगा, किसका लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो देखते हैं तो 1/3 जो मेंबर हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे डायरेक्ट लोकल बॉडीज के थ्रू, लोकल बॉडी यानी म्यूनसिपालिटी और पंचायत के थ्रू, और 1/3 जो मेंबर हैं ये इलेक्ट किए जाएंगे आपके किसके थ्रू, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के थ्रू और 1/3 आपके लोकल बॉडी के। आफ्टर दैट 1/12 आपके इलेक्ट किए जाएंगे 3 ईयर से जो ग्रेजुएट्स हैं वो स्टैंडिंग हैं और उसी स्टेट में रह रहे हैं उनके थ्रू। आफ्टर दैट 1/12 आपके टीचर के थ्रू किए जाएंगे जो 3 साल से उसी स्टेट में रह रहे हैं और वो 12th स्टैंडर्ड से नीचे पढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। आफ्टर दैट 1/6 जो मेंबर है ये नॉमिनेट किए जाते हैं आपके गवर्नर के द्वारा, इन्हें स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किस चीज में, किस फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, साइंस, सोशल साइंस और कोऑपरेटिव मूवमेंट के फील्ड में। आफ्टर दैट देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की, तो जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उन्होंने 30 ईयर्स की एज को क्रॉस किया हुआ होना चाहिए। आफ्टर दैट जो अदर क्वालिफिकेशन है उस पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो काउंसिल है उसके द्वारा वो क्वालिफिकेशन को उन्होंने क्रॉस किया होना चाहिए। आफ्टर दैट देखते हैं कि उनकी डिसक्वालिफिकेशन जो मेंबर है वो कब हो जाएंगे अपनी मेंबरशिप से, किसकी से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से, तो ये आर्टिकल 191 हमारा कहता है कि वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या वो होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसके अंदर, या तो सेंटर के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यदि वो होल्ड करते हैं, या फिर वो अनसाउंड माइंड हो गए हैं या फिर उन्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किसके द्वारा किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा। आफ्टर दैट वो सिटीजन नहीं है इंडिया के, या फिर उन्हें पार्लियामेंट के लॉ के द्वारा क्या कर दिया गया है,
डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है जो भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। आफ्टर दैट देखते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा लो लेजिस्लेटिव काउंसिल का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का आपका प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा। तो अंडर आर्टिकल 182 यानी आर्टिकल 182 आपका कहता है कि या तो चेयरमैन होंगे आपके प्रेसाइडिंग ऑफिसर, या चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन प्रेसाइडिंग ऑफिसर होंगे आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के। आर्टिकल 183 कहता है आपका कि जो चेयरमैन है वो आपका रजिस्ट्रेशन देंगे आपका डिप्टी चेयरमैन को, और डिप्टी चेयरमैन आपका रजिस्ट्रेशन देंगे आपका किसे, चेयरमैन को। तो ये दोनों एक दूसरे को अपना रजिस्ट्रेशन देते हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है इनकी ऑफिस से किस तरह से, रिजोल्यूशन लेके आके, और ये जो रिजोल्यूशन है ये स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी का मीन्स 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दैट वोटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन द 50% सीट्स ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। यानी दो तिहाई बहुमत से जो उपस्थित है उसमें से पास किया जाना चाहिए वो रिजोल्यूशन, और ये जो रिजोल्यूशन है इसकी जो पासिंग संख्या है ये कुल मेंबर की 50% से अधिक होनी चाहिए। आफ्टर दैट देखते हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं लोकसभा में, आर्टिकल 333 कहता है कि गवर्नर एक मेंबर को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होगा उसे नॉमिनेट करेंगे। आफ्टर दैट देखते हैं टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज और रीएडजस्टमेंट आफ्टर ई सेंसस, कि जो भी सेंसस है हमारा जो 10 साल के बाद होता है उसके बाद जो भी क्या है आपकी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनकी सीट्स का क्या होगा, रीएडजस्टमेंट होगा। तो आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद जो सीटों का रीएडजस्टमेंट था वो 1971 के लेवल पर कर दिया गया था 2000 तक, कि 2000 तक यही रहेगा। आफ्टर दैट 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 आया, इसने क्या कर दिया 2026 तक कर दिया, लेकिन 1991 के सेंसिस के बेसिस पर। इसके बाद 87th अमेंडमेंट एक्ट आया 2003, इसने ये कहा कि नहीं 1991 के बेसिस पर नहीं होगा, और इसके बाद क्या करिया इसने 2001 के सेंसिस के बेसिस पर होगा। आफ्टर दैट रिजर्वेशन एस सी एस टी का आर्टिकल 332 कहता है कि उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा, किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आप देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका जो टेन्योर है वो आपका 5 ईयर होगा, जिस डेट से वो अपनी पहली मीटिंग में आएंगे, किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की, जो हाँ जब पहली मीटिंग होगी। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या डिजॉल्व किया जा सकता है, गवर्नर के द्वारा, यदि इमरजेंसी का केस है, यदि इमरजेंसी लग गई है किसमें, स्टेट में इमरजेंसी इम्पोज हो चुकी है, तो उस केस में लेजिस्लेटिव असेंबली के टाइम पीरियड को एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि इमरजेंसी क्या है ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर अंदर इन्हें चुनाव करवाने पड़ेंगे, आर्टिकल 352 के अंदर ये इमरजेंसी लगी हुई है तो। आफ्टर दैट आर्टिकल 173 क्वालिफिकेशन बताता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की, तो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, उन्होंने 25 ईयर्स की इसको कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, और जो भी क्वालिफिकेशन जो दी गई है पार्लियामेंट के द्वारा उन्हें वो कंप्लीट करने चाहिए। आफ्टर दैट देखते हैं कि जो मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से वो कब क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो ये आर्टिकल 191 बताता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। पहली डिस्क्वालिफिकेशन है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, या वो सेंटर की हो सकती है या फिर वो गवर्नमेंट की भी हो सकती है स्टेट की। आफ्टर दैट यदि उन्हें अनसाउंड मैन डिक्लेयर कर दिया गया है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, यदि उन्हें क्या है दिवालिया घोषित कर दिया गया है, इंसॉल्वेंट, यदि वो सिटीजन नहीं है इंडिया के, और अंडर आर्टिकल 190 का जो 4 है वो कहता है आपका कि यदि वो 60 दिन से लगातार क्या है एबसेंट हैं किसकी मीटिंग से, जो असेंब जो हाउस है उस हाउस की मीटिंग से बिना परमिशन के 60 दिन से एबसेंट हो तो भी उन्हें क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का वो कौन होगा, तो दो प्रेसाइडिंग ऑफिसर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, आर्टिकल 178 हमें इसके बारे में बताता है कौन, सबसे पहले तो स्पीकर होंगे, यदि स्पीकर नहीं है तो उनके एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर होंगे, कौन, प्रेसाइडिंग ऑफिसर।
इसके बाद में स्पीकर अपना रेजिग्नेशन दे देंगे डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देते हैं स्पीकर को, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर आपके स्पीकर को रेजिग्नेशन देते हैं। ये आर्टिकल 179 हमें बताता है। आफ्टर दैट देखते हैं कोरम। कोरम क्या होता है कि किसी भी सदन को चलाने के लिए कितने सदस्य रिक्वायरमेंट होती है। तो आर्टिकल 189 कहता है हमारा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए बताता है ये हमें कि 10 मेंबर की रिक्वायरमेंट होगी, 10 मेंबर चाहिए, या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर चाहिए। इन दोनों में से कोई भी जिसकी संख्या बड़ी होगी उतने मेंबर चाहिए किसी हाउस को ऑपरेट करने के लिए, और वो हाउस कौन सा होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। आफ्टर दैट हम देखते हैं लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। मनी बिल का, मनी बिल का प्रोसीजर देखते हैं। किसका? मनी बिल का। तो जो मनी बिल है इसको आर्टिकल 199 हमें बताता है लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड। अब इसे जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल 198 हमें बताता है। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस बिल को पास कर दिया है और ट्रांसफर कर दिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इसके बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल अपनी असेंट दे सकती है इस बिल को, या फिर उसे बिल को रिजेक्ट कर सकती है, या फिर इसे अमेंडमेंट के साथ भेज सकती है, या फिर 14 डेज तक इसे रिटर्न नहीं करती है। या 14 डेज तक रिटर्न नहीं करती है तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने क्या है, उसे अपनी असेंट दे दी, यानी स्वीकृति दे दी है। ये हमें आर्टिकल 198 बताता है। अब ये जो बिल है, ये मनी बिल होगा या फिर नॉर्मल बिल होगा, इसको इसके जो डिसीजन की जो पावर है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास होती है, और उसका जो डिसीजन है वही फाइनल होगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका स्पेशल स्टेटस ऑफ जे एंड के, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस। ये आर्टिकल 370 में दिया गया है। अब जो जे एंड के है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे एडॉप्ट किया गया था 17 नवंबर 1956 को, और इसे इनेक्ट किया गया था 26 जनवरी 1957 को। आफ्टर दैट हम देखते हैं आपका इसके जो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं उसे देख लेते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट है इससे रिलेटेड, इसकी जे एंड के इसके सब्जेक्ट जो है स्टेट के, उससे रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं बना सकती है। ये जे एंड के में क्या है, डुअल सिटीजनशिप का क्या होता है, फॉलो होता है, यानी एक सिटीजनशिप होगी जे एंड के की और दूसरी सिटीजनशिप होगी इंडिया की। और इंडिया का जो जे एंड के अलावा कोई भी नागरिक है, सिटीजन है, वो यहाँ की स्टेट असेंबली में क्या नहीं कर सकता, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, और ना ही वोट डाल सकता है। और यहाँ की जो लैंड है ना वो उसे एक्वायर कर सकता है, नहीं उसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है किसी दूसरे को, वहाँ का जे एंड के का पर्सन। उसके बाद जो रेसिडरी पावर है वो लेजिस्लेटिव की जो सेंटर की हैं वो इधर वर्क नहीं करेंगी। आफ्टर दैट जो अपॉइंटमेंट है पर्सन्स का, किसका? गवर्नर का, वो जे एंड के जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे रिकमेंडेशन के बाद या उससे रिकमेंडेशन करने के बाद ही होगा। अब जो नेशनल इमरजेंसी है, जो वार और एक्सटर्नल के बेसिस पे है, वो तो यहाँ क्या है, हो जाएगी ऑटोमेटिकली, एक्सटेंशन हो जाएगा उसमें। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी बेस्ड है, किस पर? आर्म रिवेलियन पर बेस्ड है, वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं होगी, उसके लिए जे एंड के की गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। आफ्टर दैट देखते हैं हम जो प्रेसिडेंट रूल है, वो प्रेसिडेंट रूल गवर्नर इम्पोस्ट करवा सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हैं जो बनाए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा, ये यहाँ ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होंगे जे एंड के में। आफ्टर दैट पार्लियामेंट क्या है, इसकी जो नेम है, बाउंड्री है या फिर टेरिटरी है, उसको क्या है, चेंज नहीं कर सकती है, उसे ना तो क्रिएट कर सकती है ना उसे चेंज कर सकती है इसकी बाउंड्रीज को। आफ्टर दैट यूनियन क्या नहीं कर सकती, फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज नहीं कर सकती है स्टेट ऑफ जे एंड के में। आफ्टर दैट हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है हमारा सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है हमारा वो पार्ट 6 में दिया गया है। पार्ट 6 में ये आर्टिकल 233 से 237 में दिया गया है। इसमें
ये जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स किसके अंदर आते हैं? ये अंदर आते हैं हाई कोर्ट्स के, बाद इनका नंबर आता है। ये आपका एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि जो हमारे हाई कोर्ट हैं, ये हाई कोर्ट हमारे एक तो मेट्रोपोलिटन कोर्ट होते हैं, हमारे एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब ये जो हमारे मेट्रोपोलिटन कोर्ट हैं, ये हमारे जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें होते हैं, और ये हमारे जो नॉर्मल सिटी हैं ये हमारे उन नॉर्मल सिटीज में होते हैं। अब जो सिविल मैटर्स हैं, उन सिविल मैटर्स के लिए यहाँ जो कोर्ट होता है उसे कहते हैं सिटी सिविल कोर्ट। उसके बाद जो नंबर आता है उसका आता है आपका कोर्ट ऑफ स्मॉलर कॉजेस। इसके बाद क्रिमिनल में देखते हैं तो इधर सेशन कोर्ट होता है, इसमें जो जज होता है वो सेशन जज होता है। उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता है, उसमें जो जज होता है आपका चीफ मेट्रोपॉलिटन जज होता है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, उसमें जो जज होते हैं आपके वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं आपके फर्स्ट क्लास। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल में, नॉर्मल में आपके सिविल के मैटर्स में और क्रिमिनल्स के मैटर्स में। तो सिविल के मैटर्स में आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, उसके बाद आपका सब कोर्ट होगा उसमें सीनियर सिविल जज होंगे आपके, उसके बाद आपका प्रिंसिपल जूनियर होगा, उस जूनियर सिविल जज कोर्ट होगा उसमें आपके प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज होंगे आपके। आफ्टर दैट आपका मुंसिफ कोर्ट, तो मुंसिफ कोर्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ जूनियर और या फिर सिविल जज होंगे। आफ्टर दैट देखते हैं क्रिमिनल के केस में, तो क्रिमिनल के केस में आपका सेशन कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट में आपके सेशन जज होंगे, और आपका इसके बाद होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, इसमें फर्स्ट क्लास वाला, इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे आपके। आफ्टर दैट आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा सेकेंड क्लास का, तो इसमें आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे सेकेंड क्लास के। अब ये जो जुडिस्डिक्शन है हमारे स्टेट में, इसमें क्या है, ये हाई कोर्ट आता है और प्लस सबॉर्डिनेट कोर्ट, दो कोर्ट आते हैं। अब हमारा जो लॉ है हमारा टू टाइप के कोर्ट्स में है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, एक सिविल के और एक क्रिमिनल के। जो सिविल के फंक्शन करते हैं जज, उन्हें क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और जो हमारे क्रिमिनल को फंक्शन करते हैं उनको क्या कहते हैं हम, सेशन जज कहते हैं। आफ्टर दैट जो फंक्शन है इनका वो किसके सुपरिंटेंडेंस में होता है, ये हाई कोर्ट के सुपरिंटेंडेंस में होता है इनका फंक्शन, और इनका जो सबॉर्डिनेशन है और कंट्रोल है। आफ्टर दैट जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जज को, उसे क्या कहेंगे हम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कहेंगे, और जो क्रिमिनल का है उसे सेशन जज कहेंगे। ये मैंने अभी आपको बता दिया। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इनकी पोस्टिंग होती है, और इनके जो प्रमोशन है वो सारे डिस्ट्रिक्ट जज के, वो किसके द्वारा किए जाते हैं आपके, गवर्नर के द्वारा किए जाएंगे, और गवर्नर किन्हें कंसल्ट करेंगे, हाई कोर्ट को कंसल्ट करेंगे। उसके बाद ये इनका अपॉइंटमेंट पोस्टिंग और प्रमोशन करेंगे। आफ्टर दैट यदि इन जो पर्सन है डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जुडिशियल सर्विस में, किसमें, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, तो उन पर्सन्स का यदि अपॉइंटमेंट करना है, पोस्टिंग करनी है, प्रमोशन करना है, तो उनका प्रमोशन कौन करेंगे, गवर्नर ही करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन करेंगे किससे, हाई कोर्ट से करेंगे कंसल्टेशन, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट दो से कंसल्टेशन के बाद करेंगे। आफ्टर दैट हम देखते हैं इसी में आपका एक नए और टॉपिक है आपका लोक अदालत। लोक अदालत क्या है, ये अल्टरनेटिव है हमारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का भारत में। ये हमारे प्रोवाइड किए गए थे स्पीडी और इकोनॉमिक, क्या हो जाए जल्दी से और इकोनॉमिकली फायदा हो किसको, वीकर सेक्शन जो सोसाइटी है उनको जजमेंट में। आफ्टर दैट जो लोक अदालत है ये एडवोकेट किए जाते हैं मेनली, किसके द्वारा चलाए जाते हैं, जो भी आपके जजेस होते हैं रिटायर्ड उनके द्वारा, या फिर जो आपके उस फील्ड के जो जानकार हैं उसके द्वारा चलाए जाते हैं, या फिर सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं, या फिर अदर मेंबर ऑफ लीगल प्रोफेशन है उनके द्वारा चलाए जाते हैं। ये जो लोक अदालत है, ये लोक अदालत को एडवोकेट किया गया था हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा। ये स्टेचुअरी स्टेटस रखते हैं, इसका मतलब है कि ये लीगल स्टेटस तो रखते हैं लेकिन इन्हें ऐड किया गया है बाद में। आफ्टर दैट लोक अदालत को जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो आपके सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तीनों लेवल पर किया जाता है। ये जो अपनी ऑथोरिटी है जुरिस्डिक्शन की,
ये इन्हें कन्फर की जाती है किसके थ्रू, स्टेट के थ्रू या फिर डिस्ट्रिक्ट बॉडीज के थ्रू। ये डील करते हैं सिविल केस से, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से, प्रॉपर्टी से, पार्टी सन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है या फिर लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट से। इनमें जो फोकस करते हैं ये कंप्रोमाइज पर फोकस करते हैं। यदि कंप्रोमाइज नहीं होता तो जो मैटर है वो वापस कोर्ट में चला जाता है। यदि कंप्रोमाइज हो जाता है तो ऐसा कंप्रोमाइज क्या है, बाइंडिंग होता है पार्टीज पर। आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में आपके तीन टाइप के रिलेशन होते हैं, एक लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन। सबसे पहले देखते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन। ये आपके आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 में दिए गए हैं संविधान के भाग 11 में। इसमें आपकी तीन तरह की लिस्ट दी गई हैं। सबसे पहले यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपके सौ है अभी एट प्रेजेंट में मैटर और ओरिजिनल इसमें 97 मैटर दिए गए थे। इसमें पार्लियामेंट के पास विशेष पावर होती है इनसे संबंधित लॉ बनाने के लिए। इसके बाद 92A, 92B, 92C एंड 2A को ऐड कर दिया गया इसमें, और इसमें से जो एंट्री थी 33 इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसमें जो मैटर हैं वो डिफेंस ऑफ इंडिया, आर्म फोर्सेस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, सेंसस, ऑडिट, ये इस टाइप के जो मैटर्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं लिस्ट सेकंड, जो स्टेट लिस्ट है। ये जो स्टेट लिस्ट है इसमें केवल और केवल एक्सक्लूसिव पावर स्टेट को दी गई है लॉ बनाने के लिए आर्टिकल। इसके बाद ये इसमें 61 आपके मैटर्स दिए गए हैं, ओरिजिनल इसमें 66 मैटर दिए गए थे। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1966 में जो हुआ इसकी जो एंट्रीज हैं 11, 19, 20, 29, 36 इन्हें क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया। इन्हें ओमिट करने के बाद में कॉन्करेंट लिस्ट में को क्या है, डाल दिया गया। इसमें जो मैटर आते हैं जैसे आपके पुलिस का हो गया, पब्लिक ऑर्डर का हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, आपका फिशरीज हो गया, लीगल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, प्रिजन हो गया, थिएटर हो गया, मार्केट, गैम्बलिंग, ये सारे आपके मैटर आते हैं इसी तरह के। आफ्टर दैट कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि ये जो कॉन्करेंट लिस्ट दी गई है इसमें आपकी पार्लियामेंट या फिर स्टेट दोनों लॉ बना सकती है इसमें जो मैटर दिए गए हैं उन पर। ये ओरिजिनल इसमें 47 मैटर थे, अभी इसमें 52 मैटर हो गए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद स्टेट लिस्ट से ये आपकी जो पांच बताए थे मैंने, ये पांच के पांचों ट्रांसफर इधर कर दिए गए किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये कौन कौन से थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड बीचर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, आफ्टर दैट आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये थे आपके पांच मैटर जो ट्रांसफर किए गए स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। इसमें आपके मैटर आते हैं डाइवोर्स, पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग, लेबर वेलफेयर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक एंड प्रिंटिंग प्रेस एटसेट्रा। आफ्टर दैट देखते हैं रेसिडुअरी पावर्स। ये आर्टिकल 248 बताता है कि इन ये जो लिस्ट है, इन तीनों लिस्ट में जो टॉपिक रह गए हमारे, जो मैटर रह गए, वो सारे के सारे उन मैटर्स पर जो भी लॉ है वो बनाने की पावर किसे दी गई हुई है, ले सेंटर को दी हुई है, यानी यूनियन को ये पास पावर है। आर्टिकल 249 कहता है कि जो पार्लियामेंट है स्पेशली इसमें कौन, राज्यसभा, ये स्टेट्स की लिस्ट से रिलेटेड कोई भी जो मैटर है उन पर लॉ बना सकती है, लेकिन इसके लिए उसे स्पेशल मेजोरिटी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो मैटर पे लॉ बनाएगी ये एक साल तक ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। आफ्टर दैट आर्टिकल 250 हमारा कहता है कि पार्लियामेंट क्या है, जो मैटर है स्टेट लिस्ट में उन्हें क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, उन पर कोई भी लॉ बना सकती है जब उसमें क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगी हो किसमें, उस स्टेट में। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 हमारा कहता है कि यदि लेजिस्लेचर है हमारी दो या दो से अधिक स्टेट की, वो एक रिजोल्यूशन पास करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि
किसी एक मैटर पे उन्हें लॉ बनाना है, कॉमन लॉ, तो पार्लियामेंट क्या करेगी, ऐसा लॉ बना देगी। आर्टिकल 252 कहता है। आर्टिकल 253 हमारा कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या है, लॉ को इम्प्लीमेंट करवा सकती है जो ट्रिटी की है उसने किसी अन्य देश के साथ में, या फिर इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुई है अदर बॉडी के साथ में उसे स्टेट में वो लागू करवा सकती है। उसके बाद यदि कॉन्फ्लिक्ट होती है सेंट्रल लॉ के बीच में या फिर स्टेट लॉ के बीच में, तो जो सेंट्रल लॉ है वो प्रवेल करेगा किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर में, आर्टिकल 254 कहता है। लेकिन यदि जो स्टेट लॉ है ये चला गया है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास उनकी कंसिडरेशन के लिए, और प्रेसिडेंट की उन्हें असेंट मिल चुकी है स्टेट लॉ को, तो इस कंडीशन में स्टेट लॉ प्रिवेल कर जाएगा, ये इसका एक एक्सेप्शन है। आफ्टर दैट देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है आपके पार्ट 11 में दिए गए हैं, ये पार्ट 11 में दिए गए हैं आर्टिकल 256 से 263 तक। इसमें क्या है कि जो यूनियन है ये यूनियन स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है इन डिफरेंट मैटर्स में, किस मैटर्स में, जो लॉ है कम उस लॉ का इंश्योर कराए कि वो उसका कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं, ये पार्लियामेंट देखेगी, आर्टिकल 256 कहता है। आफ्टर दैट जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, वो एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की, उसके साथ क्या नहीं करनी चाहिए, क्लैश नहीं करनी चाहिए, इसको भी देखेगा। कौन देखेगा, यूनियन देखेगा, आर्टिकल 257 कहता है। इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है और जो मेंटेनेंस है कम्युनिकेशंस के मींस की, जैसे क्या हो गए इसमें, हाईवे हो गए, आपके वाटरवेज हो गए, इसका मेंटेनेंस होगा और कंस्ट्रक्शन कौन करवाएगा, यूनियन देगा, किसे इंस्ट्रक्शंस देगा इनका कंस्ट्रक्शंस करने के लिए, किसे, स्टेट को, आर्टिकल 257 कहता है। उसके बाद जो रेलवे है इसका प्रोटेक्शन के बारे में भी इंस्ट्रक्शन देगा, आर्टिकल 257 कहता है। उसके बाद मदर टंग में फैसिलिटी करवाएगा इंस्ट्रक्शंस देने की प्राइमरी स्टेज पर, ये आर्टिकल 350A कहता है। उसके बाद जो स्टेट है वो उसे रन कर रहा है या नहीं, जो प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग वो रन कर रहा है या नहीं, ये भी इंस्ट्रक्शन देगा, आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग, ये 355 बताता है। आफ्टर दैट जो एग्जीक्यूटिव है उसकी जो स्कीम है उस वेलफेयर से रिलेटेड शेड्यूल ट्राइब के से, ये कहेगा कि ऐसी स्कीम्स को क्या करो, एक्सक्यूट करो, ये स्कीम चल रही है नहीं, इन सब चीज़ों को देखेगा। ये सारी चीज़ें किसमें दी गई हैं, 339 में दी गई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी इनके बारे में जो सेंटर है वो क्या करेगा, स्टेट को क्या करेगा, या वो डायरेक्शन देगा कि इन इन चीज़ों में आप वर्क कीजिए और ऐसे ऐसे वर्क कीजिए, ये डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में दिए गए हैं। आफ्टर दैट देखते हैं कि आर्टिकल 262, आर्टिकल 262 कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, वो आपकी इंटर स्टेट रिवर या फिर वैली के लिए क्या बना सकती है, जो इनके डिस्प्यूट्स हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके या कंट्रोल के लेके, उनके लिए बोर्ड बना सकती है, आर्टिकल 262 कहता है। आर्टिकल 312 कहता है कि एक या एक से अधिक स्टेट के लिए या फिर अदर मैटर्स के लिए क्या कर सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विस को पार्लियामेंट क्रिएट कर सकती है। आफ्टर दैट देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल ये प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है, ये आर्टिकल 262 में दिया गया है प्रावधान इंटर स्टेट काउंसिल का। इंटर स्टेट काउंसिल इन्वेस्टिगेट करने के लिए या फिर डिस्कस करने के लिए बनाई जाती है जो कॉमन इंटरेस्ट के मैटर हैं, किसके बीच में, सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, या फिर दो से अधिक स्टेट के बीच में। ये जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इनका, इनका इस्टेब्लिशमेंट 28 मई 1998 को, 1990 को सॉरी, किया गया था। आफ्टर दैट इनके जो मेंबर्स होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के, इसके मेंबर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सारी स्टेट्स के प्लस यूनियन टेरिटरी के सीएम, आफ्टर दैट 6 यूनियन मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक के होने चाहिए वो इसके मेंबर होते हैं। इसके बाद इसकी जो ड्यूटीज होती है इंटर स्टेट काउंसिल की, वो इन्वेस्टिगेट करना होता है और डिस्कस करना जो कॉमन इंटरेस्ट के मैटर हैं उनके बारे में, उसके बारे में बेटर कोऑर्डिनेशन और पॉलिसी के लिए किसी सब्जेक्ट के
जो से रिलेटेड जो है उसके लिए रिकमेंडेशन करना। आफ्टर दैट जो इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर है, कॉमन स्टैंड, कॉमन जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, उन मैटर्स को क्या करना, उन मैटर्स को ट्रांसफर करना और उन मैटर्स को एग्जामिन करना। आफ्टर दैट देखते हैं जो काउंसिल है उसमें फर्दर काउंसिल देखते हैं, जूनल काउंसिल। ये जो जूनल काउंसिल है जी बनाई गई थी, ये स्टेटरी काउंसिल है। स्टेटरी काउंसिल का मीन्स होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, ये बाद में बनाई गई है। ये बॉडी स्टैब्लिश की गई थी पार्लियामेंट के द्वारा, कब, स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1956 जब लाया गया तब ये बनाई गई बॉडी जोनल काउंसिल की। तो उस टाइम ये पांच जोन्स बनाए गए थे, नॉर्थ जोन काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल और साउथर्न जोनल काउंसिल। नॉर्थर्न जोनल काउंसिल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली, इसमें जो इसका एरिया कवर था इसमें J&K, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। इसके बाद दूसरी जो जोनल काउंसिल थी, सेंट्रल जोनल काउंसिल, इसमें आपका एरिया यूपी, यूके, छत्तीसगढ़, एमपी, ये कवर थे और इसका जो हेडक्वार्टर था वो आपका अलाहाबाद में था। उसके बाद ईस्टर्न जोनल काउंसिल, इसका जो एरिया था वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में। उसके बाद वेस्टर्न जोनल काउंसिल, इसमें आपके एरिया कवर थे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उसके बाद आपका दादरा एंड नगर हवेली, उसके बाद दमन एंड दीव, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में। उसके बाद साउथर्न जोनल काउंसिल आपकी आंध्र प्रदेश, इसमें कवर इसमें एरिया कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी को पहले पौंडीचेरी कहते थे, अब पुद्दुचेरी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर इस काउंसिल का चेन्नई में। आफ्टर दैट इसके बाद एक काउंसिल और बनाई गई आपकी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये आपकी फॉर्म की गई थी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के द्वारा। इसमें आपके जो एरिया कवर किए गए, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आफ्टर दैट मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये एरिया आपके कवर किए गए। आफ्टर दैट जो हम जो रिलेशन देख रहे थे उसमें नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं हम, फाइनेंशियल रिलेशन। अब फाइनेंशियल रिलेशन आपके आर्टिकल 268 से 293 में दिए गए हैं, ये भाग 12 में दिए गए हैं संविधान के। फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे होने चाहिए, तो आर्टिकल 275 कहता है सॉरी कि जो ग्रांट्स हैं वो यूनियन से स्टेट को दिए जाएंगे, सर्टेन ग्रांट्स, उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 282 कहता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो यूनियन से या फिर स्टेट जो है उससे उसके खुद के रिवेन्यू से डिफ्रेबल होगा। आफ्टर दैट आर्टिकल 283 जो है वो कहता है कि जो कस्टडी है किस कंसोलिडेटेड फंड से हो या फिर कंटेंजेंसी फंड से हो, तो इससे जो मनी है वो क्रेडिट होगा किसमें, पब्लिक अकाउंट में। आफ्टर दैट आर्टिकल 289 ये बताता है कि जो प्रॉपर्टी है और इनकम है स्टेट की वो क्या होगी, उसमें छूट मिलेगी टैक्स से, उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 292 हमारा जो है वो बताता है कि बोरोइंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बारे में बताता है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो प्रोवाइड किया गया है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और ये 5 साल में एक बार बनाया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। जो ड्यूटीज हैं फाइनेंस कमीशन की वो ये ड्यूटीज हैं फाइनेंस कमीशन की कि ये देखता है डिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस का किसके बीच में, यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में, और कितना कितना उनको शेयर उनका एलोकेट किया गया है यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में। आफ्टर दैट ये देखता है कि जो ग्रांट्स हैं जो दी गई हैं स्टेट के को किसके द्वारा, यूनियन के द्वारा, वो कितनी ग्रांट दी गई है। आफ्टर दैट ये मेजर करता है कि ये जो फंड है स्टेट के फंड जो है, उन फंड में जो पैसा मिला है उससे पंचायत को पैसा कितना मिला है उस फंड से, ये भी देखता है। और ये भी देखता है कि ये जो फंड मिला था उसी फंड से जो म्यूनसिपालिटीज हैं उनको भी कितना पैसा मिला है। आफ्टर दैट जो भी मैटर हैं जो रेफर्ड किए जाते हैं उनको भी ये कंसीडर करता है किसके द्वारा, मैटर प्रीफर्ड किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा।
आफ्टर दैट इनकी जो रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन की और इसका जो मेमोरेंडम है ये जो शो करता है सारी चीज़ें, इन चीज़ों को पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट लेके आते हैं। अब ये सारी चीज़ के बारे में जो प्रेसिडेंट है जो पार्लियामेंट के सामने लेके आते हैं इसकी रिपोर्ट को, ये आर्टिकल 281 में आपका बताया गया है। आफ्टर दैट हम देखते हैं पहले जो हमारे फाइनेंस कमिश्नर थे वो कौन थे, हमारे इसके चेयरमैन वो केसी नियोगी थे। एट प्रेजेंट में हमारे एन के सिंह है और ये एन के सिंह हमारे 17 में है चेयरमैन, और ये 2021 से लेके 2026 का टाइम पीरियड है इसका। आफ्टर दैट देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए हमारी जो कमेटी बनी थी, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए हमारी कमेटी एक बनी थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1996 में। आफ्टर दैट राजमन्नार कमीशन 1969 में। आफ्टर दैट सरकारिया कमीशन 1983 में। आफ्टर दैट एमएम पुंछी कमीशन 2007 में। आफ्टर दैट हम देखते हैं आपका कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो आपका आर्टिकल 267 में दिया गया है। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा फंड होता है, इम्प्रेस्ड फंड, यानी ये सेंटर और स्टेट दोनों के पास होता है, जिससे एक फिक्स्ड अमाउंट जो है लॉ के द्वारा जो फिक्स्ड किया गया है वो ट्रांसफ़र किया जाता है किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और ये उस कंडीशन में किया जाता है जिस कंडीशन में जो एक्सपेंडिचर है वो सेंक्शन नहीं किया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा। इसके साथ ही ये जो ऑथराइजेशन है ये ऑब्टेंड की जाती है किसके द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा पैसे निकालने के लिए, और उसके बाद जब ये पैसे निकाल लेते हैं, यूज कर लेते हैं, तो जब इनके पास पैसे आ जाते हैं तो ये पैसे वापस इन्हें रिप्लेनिश भी करने पड़ते हैं, यानी वापस देने भी पड़ते हैं। आफ्टर दैट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देखते हैं हम जो आर्टिकल 266 में बताया गया है, दिया गया है। इसमें क्या है कि जितनी भी रिसिप्ट हैं यूनियन की फेवर में वो जो क्रेडिट की गई हैं ये उसको क्या कहते हैं हम, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। जितनी भी रिसिप्ट है, चाहे वो ये जो रिसिप्ट है ये आपकी लोन्स की रिसिप्ट भी हो सकती है जो रेस्ट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर उस मनी की भी हो सकती है जो रिसिप्ट किया गया है पेमेंट के रूप में, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ये सारी के सारी जो फंड बनाते हैं उसको कहते हैं हम आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट देखते हैं ये जो मनी है जो विड्रॉ किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड से, ये मनी एक कंपिटेंट अथॉरिटी क्या पास करना पड़ता है, उसे एक अप्रोप्रिएशन एक्ट पास करना पड़ता है। इस एक्ट के पास करने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। आफ्टर दैट यदि एक्ट पास नहीं होता है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक और आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 20 में दिया गया है, और ये अमेंडमेंट का जो आर्टिकल है वो आपका आर्टिकल है 368। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बताता है पावर के बारे में पार्लियामेंट की, किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर को क्या करने के बारे में, अमेंड करने के बारे में। अब ये जो अमेंडमेंट है ये तीन टाइप के होते हैं हमारे। पहले अमेंडमेंट जो हमारे सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। अब ये जो अमेंडमेंट है जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं, इस मेजोरिटी में क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी का मीन्स होता है कि जो प्रेजेंट मेंबर हैं वो प्रेजेंट मेंबर की जो वोटिंग होती है वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए उस रिजोल्यूशन के फेवर में, उसे कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी से रिलेटेड आपके जैसे कुछ बिल्स हैं, जैसे न्यू स्टेट को बनाने के लिए हो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करने के लिए हो, या एरिया को अल्टर करने के लिए, या बाउंड्री को अल्टर करने के लिए, या फिर एग्जिस्टिंग नेम को चेंज करने के लिए हो, या फिर एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल जो स्टेट की है उसको करने के लिए हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का या तो क्रिएशन करना है या फिर उसे एबोलिश करना है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करने के लिए वो पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड अमेंडमेंट हो, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है किससे रिलेटेड आपके कंट्रोल जो है उसका शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्रैवल एरिया उससे रिलेटेड, तो इनके लिए आपकी जो मेजोरिटी चाहिए होती है वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, उसके थ्रू आपके ये पारित होते हैं पार्लियामेंट में। आफ्टर दैट देखते हैं जो अमेंडमेंट है हमारे जो स्पेशल मेजोरिटी से
पास होते हैं, किसमें? पार्लियामेंट में। स्पेशल मेजोरिटी का मीन्स होता है जो रिजोल्यूशन पास हो रहा है उसमें जो प्रेजेंट हैं आपके मेंबर, उसमें उन प्रेजेंट मेंबर्स की जो संख्या है वो जो उससे पास करेगी वो 2/3 से अधिक होनी चाहिए, और ये जो संख्या 2/3 से अधिक जिससे ये पास किया गया है वो टोटल मेंबरशिप ऑफ जो हाउस है उसके आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसमें जो बिल आते हैं वो देख लेते हैं। जो बिल आते हैं आपके वो आते हैं DPSP हो गया, आपका फंडामेंटल राइट हो गया, या फिर जो एरियाज जो आपके सिंपल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, इन दोनों में जो कवर नहीं किए गए हैं बाद बाकी के जो भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे मैटर से रिलेटेड बिल इस स्पेशल मेजोरिटी से पास होंगे पार्लियामेंट में आपके। आफ्टर दैट देखते हैं नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो है आपका स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट। जो स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए और इसमें क्या चाहिए, कंसेंट भी चाहिए। किसका? स्टेट का, हाफ आधी स्टेट का कंसेंट चाहिए होता है इसमें। ये बहुत ही रिजिड प्रोसेस है अमेंडमेंट का। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो 2/3 मेजोरिटी से पास करा लिया बिल, उसके बाद में ये जो पास किया हुआ बिल है 2/3 मेजोरिटी से, इसमें क्या है 50% से क्या होना चाहिए, ये ज़्यादा जो स्टेट है उन स्टेट से भी पास होना चाहिए, और 50% जो 2/3 मेजोरिटी है उससे पास कराने के बाद ये जो पास किया हुआ है 50% जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद ये स्टेट में भेजा जाएगा, और स्टेट में भेजने के बाद में ये जो स्टेट है उससे टोटल जो स्टेट है उसमें से हाफ स्टेट से ज़्यादा उसे क्या करनी चाहिए, इस बिल को पास करना चाहिए। यदि हाफ स्टेट से ज़्यादा इस बिल को पास कर देंगी तभी ये एक्ट बनेगा, यदि हाफ स्टेट से ज़्यादा इसे पास नहीं करती हैं तो ये एक्ट नहीं बनेगा। इससे रिलेटेड कुछ बिल हैं जैसे मैनर ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट के से रिलेटेड अमेंडमेंट करना है, या फिर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट की में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन और सेंटर के बीच में जो भी पावर है डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन किस में, पार्लियामेंट में, या फिर इस जो लिस्ट है आपकी जो दी हुई है 7th शेड्यूल में उसमें आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है, या फिर पार्लियामेंट की ये जो पावर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं अमेंडमेंट की पावर, इस एक्ट में कोई भी आपको परिवर्तन करना है अमेंडमेंट करना है तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की, इसके साथ ही स्टेट की कंसेंट भी चाहिए, और ये स्टेट की कंसेंट आधे से ज़्यादा स्टेट की यानी 50% से ज़्यादा स्टेट की कंसेंट होनी चाहिए। इसके साथ ही ये आपका जो पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन 2nd का ये कंप्लीट हो गया आपके बीकानेर MGSU के विद्यालय के अकॉर्डिंग। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।